दोस्तों इलेक्ट्रिकल सॉकेट पिन के ऊपर कट क्यों होते है? टी सीरीज का अर्थ क्या होता है? साल में सबसे लंबा दिन कौन सा? ट्रैक्टर के आगे के पहिए छोटे और पीछे के पहिए बड़े क्यों होते हैं? डीजे का मतलब क्या होता है? बनिए हमारे साथ आखिर तक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। और साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे के टायर बड़े होते हैं, और आप सोचते होंगे कि ये शो के लिए लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये ट्रैक्टर के पीछे के टायर बड़े शो के लिए नहीं, बल्कि किसी काम के मकसद लगाए जाते हैं। और आप तो जानते ही होंगे, ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले में अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाती है, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं और अच्छी पकड़ बना सकता है। यही मुख्य कारण है कि ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों दाढ़ी बनाना या शेविंग करना हर एक को पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में कितना वक्त या कितना समय दाढ़ी बनाने के अंदर लगा देता है? अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितनी दाढ़ी बनाने को समय लगाता है वो तकरीबन 6 महीने होते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों टी सीरीज तो आपको पता होगी, जो म्यूजिक लॉन्च करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि टी सीरीज में टी का क्या मतलब होता है या इसे टी नाम क्यों दिया गया है? अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, टी सीरीज में टी का अर्थ त्रिशूल होता है। आज टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है। टी सीरीज कंपनी की शुरुआत गुलशन कुमार ने की थी। गुलशन कुमार भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र होता है, इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम टी सीरीज रखा। प्रारंभिक समय में टी सीरीज कंपनी धार्मिक भजन, कीर्तन आदि की रिकॉर्डिंग करती थी, और अभी तो ये टी सीरीज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसके यूट्यूब के ऊपर बहुत से सब्सक्राइबर्स है। बाद में इसने फिल्मी गीतों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार की हत्या के बाद उनके पुत्र भूषण कुमार इस कंपनी को चला रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों जब हमें बोर होना शुरू हो जाता है तो हमें दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है और हमें दिन बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल के अंदर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि पूरे साल के अंदर सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप शादियों में तो गए होंगे या आपने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई तो फंक्शन अटेंड किया होगा, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर डीजे बजा कर उसके ऊपर नाचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है या डीजे का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि डीजे का मतलब होता है डिस्क जॉकी, या इसे किसी पार्टी या डिस्को क्लब का संगीत बजाने वाला व्यक्ति भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। आपने कई इलेक्ट्रिक पिन के ऊपर ऐसे कट लगे हुए देखे होंगे, लेकिन आपने कभी इसकी ओर बारीकी से ध्यान नहीं दिया होगा कि इसके ऊपर ऐसे बारीकी से कट क्यों लगे होते हैं। और एक कट सभी पिन के ऊपर नहीं लगे होते, बल्कि उस पीतल की पिन के ऊपर लगे होते हैं। पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है, और जब बिजली उस पीतल से होकर गुजरती है तो वह पीतल की पिन गर्म हो जाती है, और जब कोई चीज़ गर्म होती है तब वह फैलने लगती है, और यदि पीतल की पिन फैल जाए तो वह प्लग में फिट हो जाएगी और बाहर नहीं निकल पाएगी। उस पिन में कट होने की वजह से पीतल की पिन को फैलने की जगह मिल जाती है और पिन प्लग में से फंसती नहीं, इसलिए प्लग पर कट होते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों जोधपुर तो आपको पता होगा, जो कि बहुत ही बड़ी सिटी है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जोधपुर के अंदर एक ऐसा जगह है, उस जगह को ब्लू सिटी कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास वाली बेल की घंटी को ऑन करें, और फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।